तो गाइस आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि हम वोल्टास का रिमोट किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये मेरे पास यूनिवर्सल रिमोट है, तो हम इसको यूज करते हैं और सारे फीचर्स को आज समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे तीन बटन देखने को मिलेंगे, जो है प्लस माइनस पावर बटन, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। माइनस प्लस होता है टेम्परेचर को कम या ज्यादा करना, उसके बाद होता है पावर बटन जिससे हम इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो अब अगला ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे मोड होता है। तो जैसे मैं मोड पे क्लिक करता हूँ, यह मोड ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोगों को। तो जैसे मैं मोड पे क्लिक करूंगा तो आपको वहां सामने देखने को मिल रहा होगा एचडी मोड। एचडी मतलब हो जाता है ड्राई मोड। तो ये अब ड्राई मोड पे चल रहा है, जिससे कि ये जो एयर है इसकी ड्राई मोड पे। जैसा क्या होता है कि बारिश का मौसम होता है, जब क्या होता है हमारे अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है हमारे रूम के अंदर, तो हम ड्राई मोड पे सेट कर देते हैं जिससे कि वो ज्यादा अच्छे से चल सके। तो आपको रिमोट के अंदर आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी, यहाँ पे एक वाटर ड्रॉप जैसा बना होगा। इसका मतलब होता है कि ये रिमोट है ना ड्राई मोड पे, जिससे आप लोगों को रिमोट से पता लग जाएगा कि ड्राई मोड पे चल रहा है कि नहीं। उसके बाद जैसे मैं अगला मोड पे करता हूँ तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर जो 29 दिख रहा है, तो ये 29 टेम्परेचर नहीं है, ये फिर फैन का मोड है, ये कूलिंग नहीं कर रहा है, इसका जो ब्लोअर है वो चल रहा है। और अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे फैन का एक ऑप्शन भी बन गया है। तो यहाँ पे जो आपको साइड में ऑप्शन दिख रहा है यहाँ रिमोट में फैन, तो मैं जैसे फैन पे क्लिक करूंगा तो ये फैन की स्पीड है। अभी जो फैन मैंने मोड पे करा है ना, ये फैन की स्पीड है, ये फैन की कम सबसे कम स्पीड पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सबसे कम स्पीड है। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये फैन की स्पीड और बढ़ गई है। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये फैन की स्पीड फुल हो गई है। तो ये फैन की स्पीड के लिए ऑप्शन आता है, तो ये जो ऑप्शन आता है फैन की स्पीड के लिए आता है। तो वापस मैं इसको एसी मोड पे कर देता हूँ तो ये 24 आ गया। ये मेरे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मैंने 24 का सेट कर दिया एसी के लिए। ठीक है, अब अगला आता है वर्टिकल स्विंग और हॉरिजॉन्टल स्विंग। इन दो मोड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी में सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है कि किस तरीके से यूज किया जाता है। तो वर्टिकल स्विंग जैसे कि मैं भी आपको चालू करके दिखाता हूँ, जैसे मैं बटन दबाता हूँ वर्टिकल स्विंग, तो आप स्विंग देख सकते हैं कि वो स्विंग ऊपर या नीचे हो रहा है, तो ये होता है वर्टिकल स्विंग। उसके बाद होता है हॉरिजॉन्टल स्विंग। हॉरिजॉन्टल स्विंग क्या होता है कि जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल स्विंग जो होता है ना, ये 5-स्टार एसी में ही आता है, जो होता है जिसमें अगर हम अंदर का जो स्विंग होता है ना उसको भी सेट कर सकते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल स्विंग दबाऊंगा। बट मेरे इसमें ये ऑप्शन नहीं है रिमोट में, जैसे कि मैं अभी दबा रहा हूँ कोई ऑप्शन की आवाज नहीं आ रही है। जो मैं आपको दिखाता हूँ पास से, तो हॉरिजॉन्टल स्विंग जो होता है वो अंदर की तरफ से होता है और इसको हम मैनुअली सेट कर सकते हैं। इसको हमारे हाथ से ही चेंज करना होता है, इसको हम रिमोट से चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर मेरा एसी 5-स्टार होता है तो मैं इसको हॉरिजॉन्टली स्विंग भी कर सकता हूँ रिमोट से। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, तो रिमोट में मैंने आपको ऊपर के कुछ ऑप्शन बता दिए यहाँ तक। उसके बाद होता है सेवर। सेवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। जैसे मैं सेवर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ई देखने को मिलेगा मेरे रिमोट में। ई मतलब होता है कि भाई वो एनर्जी सेव कर रहा है, ई मोड पे आ गया है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे ना एसी ऑटोमेटिकली सारे मोड सेट कर देता है जिसमें आपकी ज्यादा से ज्यादा पावर बचे और जो आपको रूम का टेम्परेचर भी ठंडा करेगा, साथ में आपकी बिजली भी बचाएगा। तो सेवर मतलब होता है बिजली बचाने वाला मोड। अब मैं सेवर मोड को बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आप देख रहे हैं सेवर मोड बंद करने के बाद ई हट चुका है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है लैंप का। तो लैंप जैसे आपको ये सामने ऊपर एसी में टेम्परेचर दिख रहा होगा जैसे 24 लिखा हुआ, अब मैं लैंप दबाता हूँ यहाँ पे, तो जैसे मैं लैंप क्लिक करूंगा तो वहां पे जो लाइट थी वो बंद हो गई है। क्योंकि क्या होता है रात को जब हम लोग सो जाते हैं पूरा रूम में डार्क हो जाता है, तो हम चाहे तो लैंप बंद कर सकते हैं जिससे कि उसकी लाइट से हमें डिस्टर्ब ना हो। तो ये लैंप ऑप्शन होता है। लैंप ऑप्शन वापस ऑन करने का, देखो आप लैंप ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पे एसी का लैंप चालू हो चुका है। उसके बाद होता है टर्बो मोड। ये टर्बो मोड दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे लैंप के साइड में, तो ये होता है टर्बो मोड। टर्बो मोड को मतलब होता है, जैसे मैं आपको टर्बो मोड चालू करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे रिमोट पे लिखा आ रहा है टर्बो। इसका मतलब होता है कि जैसे मेरे को 24 डिग्री मेरा टेम्परेचर सेट करा है, पर रूम में मुझे कूलिंग जल्दी चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा रूम जो है वो जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाए, तो मैं ना टर्बो मोड पे कर देता हूँ जिससे कि वो मेरा रूम है ना 24 डिग्री पे टर्बो मोड पे चले और मेरे रूम में कूलिंग जल्दी हो। जैसे आपको अभी अगर एसी की आवाज आ पा रही है तो टर्बो मोड की आवाज आ रही होगी, बहुत तेज मेरा एसी का जो एयर है वो चलने लगा है। क्या होता है टर्बो मोड पे हमारा जो कंप्रेशर होता है वो फास्ट वर्क करने लगता है और हमारा जो रूम का टेम्परेचर है वो जल्दी ठंडे होने लगता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बाहर से कहीं आते हैं और हमें कूलिंग की जरूरत होती है, तो हम टर्बो मोड पे करके रूम को नॉर्मल कर सकते हैं। तो मैं टर्बो मोड को बंद कर देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टर्बो मोड जो ऑप्शन था वो हट चुका है। उसके बाद नेक्स्ट होता है नीचे टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ, ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं और सेट दिख रहा है। तो मैं आपको इसका ऑप्शन भी दिखा देता हूँ।
तो इसको शुरू कर, इसका प्रोसेस जो होता है वो होता है टाइमर ऑफ से। तो टाइमर ऑफ पे मैं क्लिक करूंगा। अब जैसे मैं यहाँ पे टाइमर ऑफ पे क्लिक करा, ये एक घंटा हो गया। अगर मैंने इसको सेट कर दिया तो ये जो हो गया ये सेट हो गया एक घंटे के लिए। अब मैंने सेट करके तो छोड़ दिया, मुझे टाइमर ऑन करना है तो ऑटोमेटिकली मैं टाइमर ऑन कर दूंगा और ये जो है ना ये एक घंटे के लिए सेट हो गया। ये एक घंटे बाद टाइमर जो मेरा है ना ये बंद हो जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे दो स्टार देखने को मिलेंगे। अब आपको एसी में ना दो लाइट देखने को मिलेगी, इसका मतलब है कि वो टाइमर पे चल रहा है तो ऑटोमेटिकली एक घंटे बाद ये बंद हो जाएगा। तो यही टाइमर ऑफ से हम टाइम सेट करते हैं, उसका सेट से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये टाइमर हमने जो सेलेक्ट करा है वो डन है। उसका टाइमर ऑन से अब जब हम चाहते हैं जब ऑन कर देते हैं। अब जब मैं टाइमर ऑफ कर देता हूँ उसके बाद ये नीचे एक ऑप्शन आता है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर कुछ और नहीं है, हमारे रूम का टेम्परेचर है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ टेम्परेचर, तो ये आपको दिखा रहा है 28 का टेम्परेचर। ये करंट हमारे रूम का टेम्परेचर है जो हम लोगों को बताता है। तो ये टेम्परेचर आपके रूम का टेम्परेचर बताने के लिए काम आता है। उसके बाद यह एक ऑप्शन आता है एडजस्ट एडजस्ट। तो आप लोगों को कुछ एसी में पता होगा, जैसे ये मेरा 1.5 टन का एसी है तो इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ कि मैं इसको कम पे लेकर जाऊं। जैसे अगर मुझे चाहिए, मैं जैसे एडजस्ट पे क्लिक करता हूँ ये चल रहा है 1.2 पे, ठीक है। अभी मेरा जैसे 1.5 टन का 1.5 है मेरा, तो अभी ये 1.2 पे सेट हो गया है। अगर मैं फिर से एडजस्ट करूंगा तो ये नॉर्मल हो चुका है, वापस से अपने मोड पे आ चुका है, तो मैं इसको सेट कर सकता हूँ। तो ये मेरे रिमोट के सारे फीचर्स थे और यूनिवर्सल रिमोट में वोल्टास के सारे फीचर्स यही होते हैं। तो अब अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, कमेंट करना। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।